नमस्कार। सो गुजरात एमबीबीएस 2021 एडमिशन के लिए प्रोसेस स्टार्ट हो गई। ऑफ कोर्स एमबीबीएस बीडीएस आयुर्वेदिक और होम्योपैथी भी, तो आइए देखते हैं कि उसकी प्रोसेस क्या है टू बिगिन विथ। और आपको मैं याद दिला दूं कि गुजरात एक क्लोज स्टेट है, विच मीन्स अगर आप गुजरात के डोमिसाइल से बिलोंग नहीं करते तो आप उसके प्राइवेट कॉलेजेस के लिए एलिजिबल नहीं है। गवर्नमेंट का 15% ऑल इंडिया कोटा तो है ही, और जो एकमात्र डीम्ड यूनिवर्सिटी है सुमनदीप, उसके लिए भी आप एमसीसी काउंसलिंग के थ्रू जा सकते हैं। और सिमिलरली जो एनएनआई सीटें हैं गुजरात के गवर्नमेंट कॉलेजेस में भी, उसके लिए सब इंडियंस एलिजिबल हैं। तो अगर आप एनआरआई क्राइटेरिया में फिट होते हैं, और मैंने एक वीडियो बना रखा है कि एनआरआई एलिजिबिलिटी कैसे मिलती है, बेसिकली आप बच्चा, बच्चे के पापा मम्मी, सगर, दादा दादी, नाना नानी, मामा, मौसी, बुआ, चाचा, ताऊ और उनके बच्चे, फर्स्ट कजन जिसे कहते हैं, इससे लंबा रिश्ता को एनआरआई में कंसीडर नहीं किया जाता। सो देखिए, गुजरात रजिस्ट्रेशन की जो वेबसाइट है वो है मेड एडमिशन medadm gujarat.org। आप यूआरएल को नोट कर सकते हैं, आप गूगल करेंगे तो भी मिल जाएगा आपको। मैं कोशिश करूंगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा खैर इस यूआरएल को। आपने इसको क्लिक करा, आप होम पेज पर जाएंगे, और गुजरात में आपको जहां सबसे पहले हमें पिन खरीदते हैं, तो आप लेफ्ट में इस बटन को दबाएंगे जो हमें नजर आ रहा था, लॉग इन फॉर मेडिकल डेंटल आयुर्वेदिक एंड होम्योपैथिक एडमिशन। उसके बाद आप सबसे फर्स्ट टाइम करेंगे, पिन परचेस करेंगे, 200 रुपए की होती है। आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करें 200 रुपए है सेम, जनरल हो, एससी हो, एसटी हो। नीट रोल नंबर, नेम ऑफ कैंडिडेट, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर आपने डाला और आपको 200 रुपए आप देंगे। एक बार आपने 200 रुपए दे दिए, फिर आपका नेक्स्ट स्टेप स्टार्ट होगा जिसमें आप प्रॉपर पूरी रजिस्ट्रेशन करेंगे। जब आप रजिस्ट्रेशन, जब 200 रुपए देंगे, आपको यूजर आईडी मिल जाएगा गुजरात की, जो ईमेल आएगी आपको, उसमें आपका पासवर्ड होगा और साथ में आपको 14 डिजिट का पिन नंबर मिलेगा जिसके लिए आपने 200 रुपए दिए हैं, राइट। तो उसके बाद फिर आप आगे बढ़ते जाएंगे, जो भी डॉक्यूमेंट आएंगे अपलोड करते जाएंगे। सो स्टार्ट हुए 4 दिन हो गए हैं, 28 नवंबर तक लास्ट डेट है। सो आपके पास समय है कि आप, अगर मैं आपको डेट्स दिखा दूं तो पिन खरीदना और उसके सबकी डेट्स हमारे पास 28 नवंबर तक है, तो बहुत समय है। और इसलिए थोड़ा मेरा स्टाइल रहता है कि मैं एक पहले दिन नहीं बताता, अक्सर पहले दिन ना सर्वर सब डाउन हो जाते हैं, आप 17 तारीख को सुबह सुबह 10 बजे चालू हो जाएंगे और पिन मिलेगी नहीं, या पूरा गुजरात के बच्चे लगे हुए होंगे। सो मेरा थोड़ा स्टाइल है कि मैं हमेशा अपने क्लाइंट्स को भी एक दिन बाद ही बताता हूँ ताकि तसल्ली से रहो। देखिए, जहां 10 दिन का टाइम होता है, इतना मुझे एक्सपीरियंस है, 17 तारीख को काम करने में 10 बार हम सर्वर डाउन मिले, उससे अच्छा है 2 दिन बाद काम कर लो। अगर 10 दिन का टाइम है तो ऑफकोर्स, अगर 3 दिन का टाइम होता है तो हम 4 घंटे बाद काम शुरू करते हैं, 10 दिन का टाइम होता है तो 2 दिन के बाद शुरू करते हैं, राइट। तो 28 तारीख तक का समय हमारे पास, एंड ये प्रोसेस पूरी उन्होंने बता भी रखी है और उसके हिसाब से आप आगे चलेंगे, राइट। सो ये प्रॉपर प्रोसेस है, और बेस्ट विशेष आपको जो गुजरात के लिए एप्लीकेशन देख रहे हैं। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।